वेलकम वेलकम टू माय चैनल बाजली, और आपका दोस्त आपका भाई अब्बास। दोस्तों आज मैं आपको दोबारा ब्लॉग के बारे में बताने वाला हूँ कि अपना ब्लॉग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। कौन सा? हमारे कोर्स का पार्ट नंबर 5 है। दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे आज। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को प्रेस, ताकि नई आने वाले वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। अपने ब्लॉग पे चलते हैं। ब्लॉग कैसे खोलना है? गूगल पे लिखना है ब्लॉगर, गूगल ब्लॉगर, ब्लॉगर पोस्ट। आपका यहाँ पे अकाउंट बना होगा गूगल का, जीमेल डाली होगी तो आपका खुल जाएगा। पार्ट नंबर आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज आपको मैंने वो पिछले पार्ट में पार्ट नंबर 4 में सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में छोड़ दिया था, आज उसी से इसको लिंक करते हैं कि वो कैसे अपने ब्लॉग पे शो कराने हैं। पहले आपको इधर ब्लॉग पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपने क्या करना है। ये मेरे अकाउंट शो हो रहे हैं 3 के 3 अपने मेरे ब्लॉग पे, तो आपने वो कैसे करने हैं वो आपको दिखाता हूँ, कैसे आप अपने ब्लॉग पे शो करा सकते हैं। इस तरह मेरे ब्लॉग पे हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के तीनों फेसबुक इंस्टा यूट्यूब शो हो रहे हैं। दोबारा अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं, आपको वो बताना है। मैंने पहले ही से ये पोस्ट बनाई है, आप उसको पोस्ट पे ही बनाएंगे, उसको कैसे आप शो कराएंगे बताता हूँ। यहाँ पर पोस्ट पब्लिश नहीं करनी, ये ड्राफ्ट पे ही रहेगी, पब्लिश हो ही नहीं सकती है, पब्लिश आप क्या उस पर करेंगे। दोस्तों स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं सिर्फ आपको 3 ये आइकन ही नजर आ रहे हैं। 3 आइकन आपने कैसे डाउनलोड करने हैं? ये इसी साइज में डाउनलोड होने हैं, बड़े उस पर नहीं। मैंने बड़ा ढूंढा गूगल से, क्रॉप करने का बड़ा मसला, पहले इसका सीधा सोल्यूशन ढूंढा। यूट्यूब पे गया आपने, यहाँ पे चैनल आर्ट पे जो मैंने अपने लिंक डाले हुए थे, यहाँ से इसको कॉपी किया इमेज को, और यहाँ पे सेव इमेज एज कर लिया और मेरे कंप्यूटर में सेव हो गई। फिर मुझे 3 तो मैंने कर ली फेसबुक इंस्टा की, उसके बाद मुझे यूट्यूब का मसला हुआ, यार यूट्यूब की कहाँ से मिलेगी। मैंने अपने YouTube का लिंक भी इसी के अंदर डाल दिया और वो आ गई, तो उसके बाद मैंने YouTube को अपना लिंक हटा लिया। ठीक है, आप इन तीनों इमेज को डाउनलोड कर लेना, इधर से अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, इनसाइट इमेज के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ से आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे, अपने कंप्यूटर से 3 इमेज आपने डाउनलोड कर ली, तीनों पे यहाँ लगा देंगे। ठीक है, उनको आप यूज सीधा लाइन वाइज भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, या इस तरह भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद उनको वहां पे तो तस्वीरें हैं, लिंक कैसे देना है इस पर आपने लिंक आपको पहले बताया था, क्लिक करना है एक तस्वीर पे, यहाँ पे इंसर्ट लिंक आ रहा है ना, जिस तरह मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है आपको, वो आपने इधर डाल देना। इंस्टाग्राम का लिंक कैसे मिलेगा, जिस तरह यहाँ पे यूट्यूब आ रहा है ना, ये ऊपर लिंक आ रहा है आपका अपने चैनल का, ये आपने कॉपी कर लेना है। इसी तरह आप जब अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे वहां पे भी इधर ऊपर लिंक आ रहा होगा, कॉपी कर लेना है। फेसबुक का भी खोलेंगे, फेसबुक प्रोफाइल पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक आ रहा होगा आपके फेसबुक का। इस तरह इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रोफाइल खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ऊपर इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा, वो आपने तीनों कॉपी कर लेना है। और बारी बारी पहले इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम में इंसर्ट कर देना है, फेसबुक का फेसबुक में, यूट्यूब का यूट्यूब में, और टाइटल देना है सोशल मीडिया अकाउंट, लेबल कुछ नहीं देना। उसके बाद क्या करना है, ये तो आपने कर लिया, अब आप इसको वहां पे कैसे ऐड करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको बताया था पेंसिल के निशान HTML व्यू, कंपोज व्यू, प्रेस कर देना HTML व्यू पे, पूरा क्या ये आ रहा है इसको कर लेना कॉपी, सिलेक्ट ऑल करना है, कॉपी कर लेना है, कहीं प्रेस करके कॉपी, मैंने पहले ही किया हुआ नहीं कर रहा, सिलेक्ट ऑल कॉपी, कॉपी करके आ जाना है दोबारा यहाँ पे लेआउट, पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है भाई साहब, लेआउट पे आ गए, लेआउट में क्या करना है, सोशल मीडिया अकाउंट पे बात हुई थी हमारी, हुई थी भाई साहब, उस पर आ जाना है एड के लिए, बताया था आपको कैसे ऐड किया। यहाँ पे टाइटल दे देना है सोशल मीडिया अकाउंट, कंटेंट वो सारा जो इधर कॉपी किया था इधर लगे पेस्ट कर देना, पेस्ट करके सेव कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देना है, बंद करके यहाँ नीचे सेव का बटन आ रहा है, ये जब हर कोई काम करेंगे उसके बाद ये वाला सेव का बटन लाजमी दबाना है, वरना सेव नहीं होगा। यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं साथ में, पर सेव लाजमी दबाना है, सेव दबाएंगे तो इस तरह यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, आपके अकाउंट भी शो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, इसी वीडियो में आज मैंने आपको दो चीजें बताई थी, तो छोटा सा काम था, और दूसरी बात आज आपने क्या करना है इसमें, दूसरी बात आपने इसके स्टैट्स, यहाँ का क्या चल रहा है ब्लॉग का, जिस तरह आप यूट्यूब पे देखते हैं ना कि कहाँ आपका चैनल जा रहा है, कितने सब्सक्राइबर, क्या टाइम हो रहा है, वॉच टाइम, व्यू, ऑल टाइम के मेरे व्यू है 476, टूडे के 2 है, यस्टरडे के 5, दिस मंथ 301, लास्ट मंथ 48, लास्ट 7 डे के बारे में आपको बताएगा, डाटा शो कराएगा। उसके बाद आपके टोटल व्यूज बताएगा, कमेंट्स बताएगा, आप इसमें मोर अबाउट दिस व्यू या ब्लॉग इस तरह आपकी कोई फीलिंग्स बताएगा कि लोगों ने क्या रिएक्शन दिए, कमेंट क्या दिए, कितने इंप्रेशन दिए। हर पोस्ट पर आपको व्यूज बताएगा, 5, 5, 4, 4, 1 मेरे कितने आए हैं, पेजेस पे व्यूज बताएगा। यहाँ पे एक और मजे की बात है, अपने पेजेस को ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे मैनेज ट्रैकिंग व्यू पेज,
ऐसे इस चीज की जरूरत नहीं है, इतना कोई आपका अभी हुआ नहीं, तो इतना बस आपने करना डोंट ट्रैक माय व्यू पेज फॉर दिस ब्लॉग, वैसे तो ट्रैक हो रहा है बस जरूरत नहीं है, होने दें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपने ये सारा कर लेना, इससे आपको यहाँ से पता चल जाएगा आराम से आपने कितना आपको व्यूज मिल जाएगा, यहाँ से आपको कितना मैनेज मोर अबाउट दिस ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा आपके टोटल व्यूज कितने, सब कुछ इसमें बारे में आपको ना पता चल जाएगा आराम से फुल बड़ा करके, कि आपको यूट्यूब चैनल का कितने आपके रैफरिंग यूआरएल दिए हैं, अदर यूआरएल कितने हैं, सब कुछ के बारे में ए टू जेड आपको कीवर्ड सब कुछ इसमें बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप अपने गूगल एनालिटिक भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चले आपका चैनल भाई कहाँ चल रहा है, ठीक है, गूगल पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।